नमस्कार सभी श्रोताओं को हमारा सादर प्रणाम। मिहिर ठाकुर जी के लिए हमने पहला जो प्रोग्राम किया था कल्याण बेला, उसके बाद कुछ श्रोताओं ने और एक राग दर्शन बैठक की इच्छा प्रकट की थी। मिहिर जी ने हमें फिर एक बार ये मौका दिया है, जिसके लिए हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं। आज मेरी बात आप तक पहुंचाने के लिए मैं हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का प्रयोग करूंगी। सबसे पहले मैं मेरे संगतकारों का परिचय कराना चाहती हूं। हारमोनियम पर है लीलाधर चक्रदेव, आप श्री संजय गोकटे और डॉक्टर चैतन्य कुंटे जी के शिष्य हैं। तबले पर संगत कर रहे हैं गौतम टिंबेकर, आप पंडित भाई गायतोंडे जी के शिष्य हैं। तानपुरे पर है मेरे पति स्वरूप। इस कॉन्सर्ट की कल्पना से लेकर एग्जीक्यूशन तक उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वे खुद एक अच्छे गायक होने के साथ ही इस और इससे पहले के कार्यक्रमों का रिकॉर्डिंग भी उन्होंने ही किया है। मैं तन्वी जगदाड़े सरदेशमुख, मेरी पहली गुरु है मेरी माँ श्रीमती मधुवंती जगदाड़े, जो विदुषी उषाताई चिपलकट्टी और विदुषी वीणाताई सहस्रबुद्धे जी की शिष्या रही है। इट वॉज माई मदर एक्चुअली हु इंसिस्टेड दैट आई शुड लर्न फ्रॉम पंडित विजय सरदेशमुख जी, एंड आई वॉज रियली वेरी फॉर्चुनेट टू बी अंडर हिज ट्यूटलेज फॉर 8 years। बिहाइंड कैमराज वी हैव आदित्य देश पांडे, अ वेरी टैलेंटेड सिनेमाटोग्राफर एंड आर डियर फ्रेंड, एंड टुडे हेल्पिंग स्वरूप विद साउंड रिकॉर्डिंग इज अनदर फ्रेंड राज जाधव। वी वुड लाइक टू थैंक आदित्य फॉर प्रोवाइडिंग अस विद दिस ब्यूटिफुल स्पेस एज वेल। हम आदित्य के घर में ही ये कॉन्सर्ट शूट कर रहे हैं। तो आज इस बैठक की ओर बढ़ते हैं। आज इस बैठक में हम राग तोड़ी का अनोखा रूप समझने की कोशिश करेंगे। अगर मुझसे कोई भी गलती हो तो कृपया बताइए। एज दे से ऑल कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म इज नेसेसरी एंड ऑलवेज वेलकम। राग तोड़ी हैज अ वेरी वाइड स्कोप, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ राग विस्तार बट इन टर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन एज वेल। डॉक्टर अशोक दा रानड़े नोट्स दैट द राग हैज ध्रुपद धमार एज वेल एज ख्याल एंड तरानाज इन इट। दिस डेफिनेटली फुलफिल्स अ मेजर क्राइटेरियन ऑफ प्रूविंग इट्स म्यूजिकल पोटेंशियलिटी एंड द रीजन फॉर इट्स लॉन्जिविटी। द राग इज एक्सपांसिव एंड कैन बी एलैबोरेटेड इन ऑल स्पेसेस ऑफ द ऑक्टेव रेंजेस दैट इज लोअर मिडल एंड हाई। इट अलाउज द यूज ऑफ स्लो एज वेल एज फास्ट टेम्पो, thus encouraging pattern creation of immense variety and appeal. It has a somber, serious and quiet mood bordering on pathos. It evokes tender emotions and hence situations such as separation from the loved ones, frustration in or longing for love recur in compositions in the raga. So the first bandish that we are presenting, Dhyana Mana Rahure, is an example of the serious and quiet mood of Todi. While there are many other bandishes like Tumisana Lagi Ratana that fall into the second category. The title of this concert, Manas, occurred to me for this reason. Manas is the umbrella term in Sanskrit for everything associated with mind, such as intellect, cognition, perception, as well as emotions, desires, and moods. My guru, Pandit Vijayji, would often sit for riyaz with Raag Todi. The raga has power to compel one to look within oneself, to search within one's soul, or as the term in Sanskrit goes, atmashodh. Vijayji would sit for hours hitting the perfect rishab and gandhar as if he were invoking an energy, calling out to the raga itself to appear before him. But at the same time, Todi has the ability to connect the artist to the outside world, to express emotions and individual and collective human experiences of love, joy, sorrow and despair. In 16th and 17th century Ragamala paintings, Todi is sketched as a ragini in the form of a woman longing for love. She usually is painted as a young woman playing Rudraveena and surrounded by green vegetation and accompanied by a deer.
Todi thus becomes an umbrella concept which can accommodate all aspects and attributes of human mind within itself. पंडित कुमार गंधर्व जी ने तोड़ी के प्रकार इस प्रयोग में मियाँ की तोड़ी, बिलासखानी तोड़ी, बहादुरी तोड़ी इन सब रागों का एक्सप्लोरेशन किया है. लेकिन आज की बैठक में हम राग तोड़ी अथवा मियाँ की तोड़ी यह राग एक्सप्लोर करेंगे. पहली तीन रचनाओं में तोड़ी का पूर्वांग प्रधान रूप अधोरेखित है. कुमार जी द्वारा झुमरे में निबद्ध विलंबित ख्याल, मध्य द्रुत एकताल में ग्वालियर घराने की एक रचना और उसके बाद तीन ताल में एक पारंपरिक रचना, यह अनुक्रम है. भातखंडे जी ने कहा है कि तोड़ी के वादी और संवादी गंधार और धैवत है और पंचम का प्रयोग संयमित रूप से किया जाता है. लेकिन डॉक्टर अशोकदा रानड़े जी का यह निरीक्षण है कि गंधार और धैवत दोनों में वादी पद पर विराजमान होने की क्षमता है और उनका वह स्थान बंदिशों की रूपरेखा पर निर्भर करता है. पंचम का इस्तेमाल भी बहुत सारी बंदिशों में वक्र रूप से किया गया है. डॉक्टर रानड़े जी आगे जाके यह भी कहते हैं, अ वैरायटी ऑफ तोड़ी आइडेंटिफाइड एज गुजरी तोड़ी इज आर्ग्यूड टू ओमिट द नोट पंचम एंड प्रेजेंट वैरायटी दैट इज मियाँ की तोड़ी इट्स सपोज टू इंक्लूड द नोट पंचम. ऑब्वियसली द डिस्टिंक्शन अपीयर्स टू बी ऑफ ग्रामेटिकल देन परफॉर्मिंग सिग्निफिकेंस. केवल पंचम वर्जित करने से गुजरी तोड़ी नहीं बनता है. पंडित रामाश्रय झा बताते हैं कि गुजरी तोड़ी में पंचम वर्जित होने के साथ ही ऋषभ का महत्व बढ़ा हुआ है. इसके वादी और संवादी धैवत और ऋषभ है और इस राग को दिन का मारवा भी कहते हैं. मैं डॉक्टर रानड़े जी से इस बात पर सहमत हूँ कि पंचम का प्रयोग करना ना करना, किस मात्रा में करना, ऋषभ गांधार और धैवत इनमें से किस स्वर का महत्व किस तरह से और कब बढ़ाना, यह इस पर निर्भर करता है कि आर्टिस्ट एक्सप्रेस क्या करना चाहता या चाहती है. आई बिलीव दैट इट रिक्वायर्स अ वेरी फाइन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नुआंसेस ऑफ द राग एंड द एबिलिटी टू बैलेंस ग्रामर एंड एक्सप्रेशन ऑन द पार्ट ऑफ द आर्टिस्ट. आई डेफिनेटली आई एम नॉट दैट आर्टिस्ट, नॉट येट, बट आई स्ट्राइव टू बी वन समडे. इस प्रयोग को हमारा एक प्रयास समझें और हमें आशीर्वाद दें. Na 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 na
Dhanam, 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 dh
ध्यान मा
Brahma Radha Tave.
तुम्हें जाना लागे रतना।
डॉक्टर चैतन्य कुंटे जी से जब हम मिले और इस कॉन्सर्ट के बारे में बातचीत हुई, तब एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात उन्होंने बताई। सूर्योदय के बाद जैसे जैसे दिन बढ़ता जाता है, वैसे वैसे राग उत्तरांग प्रधान होते जाते हैं। दोपहर से शाम होने तक के समय में राग पूर्वांग की ओर झुकने लगते हैं, उदाहरणार्थ भिंपलास। शाम को कल्याण के बाद जैसे रात आगे बढ़ती जाती है, वैसे फिर एक बार राग उत्तरांग प्रधान होते जाते हैं, जैसे कि सोहनी, बसंत, अडाना। और जैसे रात खत्म होने लगती है, वैसे वैसे राग फिर एक बार पूर्वांग प्रधान हो जाते हैं, जैसे कि ललत। लेकिन तोड़ी पूर्वांग और उत्तरांग की दहलीज पर खड़ा हुआ राग है, इस वजह से उसका स्कोप विस्तीर्ण बन जाता है। यही बात हमारे बाबा पंडित विजय सर देशमुख जी बताया करते थे, ऐसा स्वरूप ने मुझे कल बताया। अब हम तोड़ी का उत्तरांग प्रधान रूप चार बंदिशों के माध्यम से एक्सप्लोर करेंगे, जिसमें एक पारंपरिक ख्याल जिसकी बस हम एक झलक प्रस्तुत करेंगे। झपताल में निबद्ध मेरी खुद की एक रचना, कुमार जी की एक सुप्रसिद्ध तीन ताल में निबद्ध बंदिश, और अंत में एक पारंपरिक तराना शामिल है। शुरू करती हूँ। हमारी बिनती
Ah
Oh,